आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन की डेट सामने आ चुकी है। 12 और 13 फरवरी के दिन बड़े बड़े खिलाड़ियों की बोली लगाई जाएगी। इससे पहले बीसीसीआई ने सभी टीमों को मौका दिया था कि वो अपने 7-4-4 खिलाड़ियों को रिटेन कर सके, जिसमें अगर हम बात करें आरसीबी की तो विराट कोहली को 15 करोड़ में, ग्लेन मैक्सवेल को 11 करोड़ में और मोहम्मद सिराज को 7 करोड़ रुपए में अपने साथ जोड़े रखा है। लेकिन अब एक बहुत ही बड़ा झटका आरसीबी को लगा है। दरअसल मामला जुड़ा है ग्लेन मैक्सवेल को लेकर। इस समय ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग चल रही है और मैक्सवेल मेलबर्न स्टार्स के कप्तान हैं। साथ ही मैक्सवेल इस समय बहुत ही बुरी फॉर्म में चल रहे हैं और इसे देखकर आरसीबी मैनेजमेंट परेशान हो गया है, क्योंकि ये उनके लिए किसी झटके से कम नहीं। जैसा आप जानते हैं कि मैक्सवेल के लिए आरसीबी ने कई अहम खिलाड़ियों को छोड़ा है, जिसमें पर्पल कैप होल्डर हर्षल पटेल और चहल शामिल है। साथ ही आरसीबी की प्लानिंग उन्हें एक कप्तान के तौर रखने की भी है। अब इन सब बातों से उनकी प्लानिंग को लेकर सवाल खड़े हो चुके हैं, क्योंकि चहल से ऊपर मैक्सवेल को चुना गया था और अगर ये फैसला गलत साबित हुआ तो आरसीबी के लिए काफी महंगा साबित हो सकता है। मैक्सवेल के प्रदर्शन की बात करें तो बिग बैश में अभी तक 4, 16, 40, 12 रन उनके बल्ले से निकले हैं। बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म इस समय ये दिग्गज खिलाड़ी दिख रहा है, यहाँ तक कि उनके बल्ले के साथ गेंदबाजी भी फ्लॉप रही। आईपीएल करियर की बात करें तो 97 मैचों में 2018 रन बनाए हैं, वहीं साथ ही 22 विकेट अपने नाम किए हैं। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आरसीबी की टीम अपने फैसले पर कायम रहती है या फिर इस लीग को देखकर अपने फैसले को बदलती है। खैर, आपको क्या लगता है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।